यहाँ पर हम देखेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो बचे हुए हैं हमारे, जैसे कि रिलेशनशिप ऑफ नेचर एंड इकोलॉजी। नेचर का इकोलॉजी से क्या रिलेशनशिप है वो हम देखेंगे। रिलेशनशिप ऑफ नेचर एंड इकोलॉजी, जैसे कि सिम्बायोटिक और जो म्यूचुअलिज्म में जो रिलेशनशिप है, दोनों का प्लस प्लस रिलेशनशिप है। म्यूचुअलिज्म मतलब कि नेचर को फायदा होगा तो इकोलॉजी को भी फायदा होगा, इकोलॉजी को फायदा होगा तो नेचर को भी फायदा होगा, इस तरीके का रिलेशनशिप है। इसमें हम देख सकते हैं कि दो स्पेसीज हैं जो एक साथ रहती हैं। दो स्पेसीज अगर एक साथ रहती हैं तो क्या करती हैं, वो एक दूसरे का म्यूचुअल बेनिफिट शेयर करती हैं। यानी कि जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखें म्यूचुअल बेनिफिट इनका किस तरीके से होता है। म्यूचुअल बेनिफिट यानी आपस में एक दूसरे का बेनिफिट होता है, किस तरीके से होता है। जैसे कोरल लीफ एग्जांपल हम लेते हैं, कोरल रीफ। कोरल रीफ क्या करते हैं, कोरल रीफ के अंदर कोरल रीफ है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, जैसे एजोला है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। एजोला AJOLLA एजोला, और एजोला है कोरल रीफ को फूड प्रोवाइड करवाता है। तो इस तरीके से कोरल रीफ इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है और ये इसको फूड प्रोवाइड करवाता है। तो ये आपस में रिलेशनशिप हो गया। लाइकेन है, लाइकेन को कोरल रीफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है और लाइकेन कोरल रीफ को फूड प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट बेनिफिट हम देखें जैसे कि कॉमन सेलिज्म क्या है। कॉमन सेलिज्म हम देखें, कॉमन सेलिज्म COMMENSALIS कॉमन सेलेज। कॉमन सेलेज में क्या होता है, ये दो स्पेसीज का रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर एक स्पेसीज के अंडर दूसरी स्पेसीज रहती है। जैसे पहले स्पेसीज ये है, दूसरी स्पेसीज ये है, एक के अंडर दूसरी रहती है और आपस में एक दूसरे के बेनिफिट रहते हैं। यानी ये अगर इसको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी और ये इसको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, यानी ये इसको बेनिफिट नहीं देगी, ये वाली इसको बेनिफिट नहीं देगी, पहली स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को बेनिफिट नहीं देगी, दूसरी स्पीसीज पहली स्पीसीज को बेनिफिट नहीं देगी, तो आपस में ये सर्वाइव नहीं कर सकती। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखें, सम बर्ड्स लिविंग ऑन बैक ऑफ कैटल। जैसे कुछ बर्ड हैं जो कि कैटल पर रहते हैं या कैटल पर डिपेंड रहते हैं। टू ईट इंसेक्ट्स, क्योंकि कैटल होगी तभी वो इंसेक्ट्स को खा सकते हैं बर्ड्स। नेक्स्ट हम देखें एमेंसलेज में एक रिलेशनशिप होता है, फोर्थ नंबर का MNSALIS में क्या होता है, ये रिलेशनशिप होता है टू स्पीसीज के बीच में जिसके अंदर वन स्पीसीज है वन स्पीसीज लॉस में जाएगी तो दूसरी स्पीसीज को ये इफेक्ट नहीं करेगी विदाउट अफेक्टिंग
सेकंड स्पेसीज विदाउट अफेक्टिंग सेकंड स्पेसीज, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखें पेनिसिलियम और फंगी, पेनिसिलियम एंड फंगी इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है। पेनिसिलियम का लॉस होगा तो फंगी पर इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। फिर हम देखते हैं पैरासिटिज में रिलेशनशिप होता है, पैरासिटिज में इसमें क्या होता है, दो स्पीशीज के बीच में इस तरीके से रिलेशनशिप होता है, जैसे पहली स्पीशीज अगर लॉस में जाएगी तो दूसरी स्पीशीज को बेनिफिट होगा, पहली स्पीशीज के लॉस होने की वजह से दूसरी स्पीशीज को बेनिफिट होगा। जैसे कि हम एग्जांपल अगर इसका देखें तो इसका एग्जांपल है पैरासाइट्स एंड डीकम्पोजर। पैरासाइट्स एंड डीकम्पोजर, डीकम्पोजर्स फिर हम देखें कि अगर बैक्टीरिया और फंगी अपना फूड है लिविंग बॉडी से प्राप्त करते हैं तो वो कहलाता है पैरासिटिज्म में। बैक्टीरिया एंड फंगी अगर ये अपना भोजन लिविंग बॉडी से प्राप्त करेंगे तो लिविंग बॉडीज को यहाँ पर लॉस होगा, लिविंग बॉडीज को हार्म होगा, नुकसान होगा, इस वजह से इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं पैरासिटिज्म में। तो यहाँ पर हमारे जो बैक्टीरिया और फंगी हैं यहाँ पर पैरासिटिज में, यानी कि यहाँ पर फंगी और बैक्टीरिया हैं ये पैरासाइट्स कहलाते हैं हमारे, जब ये हमारे जैसे कि लिविंग बॉडी को हार्म करके अगर फूड प्राप्त करते हैं तो ये पैरासाइट्स कहलाते हैं। और यही सेम थिंग हमारे डेड ऑर्गेनिज्म को यूज करके होती है तो ये हमारे डिकम्पोजन कहलाते हैं, जब ये डेड ऑर्गेनिज्म से भोजन प्राप्त करते हैं तो डिकम्पोजर कहलाते हैं, और अगर ये भोजन फंगी और बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेन से प्राप्त करते हैं या लिविंग बॉडी से प्राप्त करते हैं ये तो पैरासाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखें जितने भी टाइप के बैक्टीरिया हैं हमारे वो यूनिसेल्युलर टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया को हमेशा फूड की जरूरत होती है, यूनिसेल्युलर टाइप के होते हैं और इनको फूड की जरूरत होती है। फंगी हैं हमारे दोनों प्रकार के होते हैं, यूनिसेल्युलर और बाईसेल्युलर, यूनिसेल्युलर एंड वाई सेल्यूलर। जो वायरस होता है हमारा वो क्या होता है, वायरस हमारा डेड होता है जब उसे किसी में एंटर करवाया जाता है, तब वो जीवित होता है हमारा वायरस। और जो यीस्ट होता है हमारा, और वायरस को हम एक तरीके से नॉन सेल्यूलर भी कह सकते हैं, नेक्स्ट हम देखें जो वायरस हमारे बैक्टीरिया सेल के अंदर रहते हैं, बैक्टीरिया
बैक्टीरिया सेल के अंदर जो हमारे वायरस रहते हैं उन वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। वायरस है हमारे वो कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जैसे वायरस है नॉन लिविंग और लिविंग थिंग के बीच में, कनेक्टिंग लिंक के रूप में ये काम करते हैं। कनेक्टिक लिंक। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन में क्या होता है? लाइकेन में एल्गी और फंगी हैं, दोनों से मिलकर बनता है। एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है एल्गी और फंगी के बीच में। एल्गी प्लस फंगी, इनके बीच में किस तरह का रिलेशन होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन अदर। डिपेंड ऑन अदर। दूसरा, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते हैं, नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और डोंट हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल भी नहीं होता है। तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते हैं क्लोरोफिल। एल्गी हमारे क्या है? ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स यानी कि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। और एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है, कंटेन क्लोरोफिल, कंटेन क्लोरोफिल। और दूसरा, एल्गी के अंदर हम देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स है, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, हेटरोट्रॉप्स। HETRO हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स में क्या होता है? हर्बोरियस जैसे कैटल्स होते हैं हमारे, हर वोरियस कैटल्स होते हैं। दूसरा होता है कार्निवोरियस, जो मीट कंज्यूम करते हैं। कार्निवोरियस जो मीट वगैरह कंज्यूम करते हैं, मीट कंज्यूमिंग। तीसरा हम होता है हमारा ओमनिवोरियस, जो कि दोनों काम करते हैं, मीट भी कंज्यूम करते हैं और हमारे शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। ओमनिवोरियस, ओमनिवोरियस। और एक होते हैं डेट्रीवोरियस, बेस्ट मैटर को ये कंज्यूम करते हैं, जैसे कि एंट है हमारे, चींटी। डेट्रीवोरियस, DETRIVORUS, डेट्रीवोरियस।
वेस्ट मैटर को ही कंज्यूम करते हैं। जो लाइकेन होता है हमारा, लाइकेन को एयर पोल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं। ये SO2 पोल्यूटेंट से वेरी सेंसिटिव होता है। SO2 पोल्यूटेंट अगर बढ़ जाएगा एयर के अंदर तो ये लाइकेन हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो लाइकेन को हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से लाइकेन इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। इंडिकेटर और जो फंगी और एल्गी के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं, एल्गी प्लस फंगी के बीच में, ये रिलेशनशिप को हम कहते हैं मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। मास्टर स्लेव रिलेशनशिप में क्या है, एल्गी हमारा मास्टर की तरह काम करता है और फंगी हमारा स्लेव की तरह काम करेगा। इस दोनों की रिलेशनशिप को मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कह सकते हैं। जो लाइकेन है, लाइकेन कहाँ पर ग्रो करते हैं, बेयर रॉक में ग्रो करते हैं या फिर पेड़ों की छाल में ग्रो करते हैं, यानी बार्क ऑफ ट्री, पेड़ों की छाल में ये लाइकेन है ग्रो करते हैं। और लाइकेन को परफ्यूम में भी यूज किया जाता है। दूसरा, परफ्यूम में यूज करने के अलावा लाइकेन को हम ओजोन लेयर के रिसर्च में भी यूज करते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन के रिसर्च में भी इसका यूज किया जाता है। फिर हम देखते हैं माइक्रोहोजा। माइक्रोहोजा क्या होता है, माइक्रोहोजा हायर प्लांट के साथ में अगर हम क्या कर देते हैं, फंगी यूज करते हैं, हायर प्लांट प्लस फंगी, तो ये हमारे कहलाएंगे माइक्रोहोजा। यानी कि कोई भी ट्री है, ये कोई भी प्लांट है हमारा, जैसे कि ट्री है, ये फंगी को फूड प्रोवाइड करवाता है, तो उसे हम कहते हैं माइक्रोहोजा। तो फंगी कहाँ पाया जाता है, फंगी हमारा जो पेड़ है, जैसे कि ये पेड़ है हमारा, पेड़ की जड़ों के लिए यानी रूट्स के लिए फंगी न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाता है। और फंगी को पेड़ यहाँ से क्या प्रोवाइड करवाते हैं, फूड प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये आपस में रिलेशनशिप होता है। फिर हम देखते हैं कोरल रीफ किस तरीके से बनते हैं, जो समुद्र में जो आइसलैंड बने होते हैं कोरल रीफ की वजह से बनते हैं, कोरल रीफ। तो कोरल रीफ की स्ट्रक्चर हमारी इस तरीके से होती है, इस तरीके से कोरल रीफ बनते हैं समुद्र के अंदर और बनते बनते ही आइसलैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कोरल किस किस से मिलकर बनता है, एक तो पॉलिप और एक बनता है जियो एक्सएलगी, यानी एलगी टाइप का होता है जू एक्सेंथैल्गी, जॉक्सन थैल्गी, THALAGE, यानी एक तरह से ये एलगी है और ये पॉलिप है। पॉलिप क्या है, इसको शेल्टर प्रोवाइड करवाता है यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। और ये इसको फूड प्रोवाइड करवाता है, यानी कि ये एल्गी है हमारा, ये फूड प्रोवाइड करवाएगा।
तो कोरल रीफ हम देखें जैसे कि, हाँ कोरल रीफ स्ट्रक्चर हमारी जैसे इस तरीके से होगी स्ट्रक्चर, समुद्र के अंदर या फिर कहीं पर भी। तो ये कोरल रीफ पॉलिप प्लस जियोक्सन थलगी हो जाएगा, जियोक्सन थलगी, तो ये पॉलिप है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है यानी कि शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, और जियोक्सन थलगी है ये इसको फूड प्रोवाइड करवाता है। तो आपस में रिलेशन होगा, ये एक तरीके से एल्गी है, ये इससे हमारे शेल्टर बनते हैं। तो पॉलिप क्या है, एक तरीके से स्मॉल एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये पॉलिप, स्मॉल एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये क्या करता है, ये सीक्रेट करता है यानी कि उत्सर्जन करता है, CaCO3 उत्सर्जन करता है ये पॉलिप, जो कि एक तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है CO2 और CaO कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करके, ये किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है। जो बिगेस्ट कोरल रीफ स्ट्रक्चर है वो है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बिगेस्ट कोरल रीफ का एग्जांपल हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ग्रेट बैरियर रीफ, बैरियर रीफ ये कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। नेक्स्ट हम देखें जो कोरल है हमारा, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशियंस, सलाइन कंडीशन और क्लीन वाटर में ग्रो करते हैं कोरल। कहाँ पर ग्रो करते हैं ये, सब ट्रॉपिकल रीजन हुआ वहां पर ग्रो करेंगे। दूसरा ट्रॉपिकल ओशियंस में ये ग्रो करते हैं, ट्रॉपिकल ओशियंस। तीसरा ये सेलाइन कंडीशन और क्लियर वाटर में ग्रो करते हैं। सेलाइन कंडीशन और क्लियर वाटर, और ये कब तक सरवाइव कर सकते हैं यानी कि जो कोरल रीफ हैं मैक्सिमम ये सरवाइव कर सकते हैं 150 फीट तक, पानी के अंदर डीप में ये 150 फीट तक सरवाइव कर सकते हैं वाटर सरफेस से लेकर के। कोरल रीफ हैं हमारे नेचुरल डिजास्टर के लिए बैरियर का काम करते हैं, जैसे कि जो बैरियर का काम किसके लिए करते हैं, नेचुरल डिजास्टर को रोकते हैं जैसे कि सुनामी हुई, साइक्लोन हुआ, इनके लिए बैरियर का काम करते हैं। सुनामी, साइक्लोन, और इनको एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कोरल रीफ है हमारे ये कार्बन सिंक की तरह भी काम करते हैं, एक्ट एज ए कार्बन सिंक। दूसरा हम क्या देखते हैं कि एल्गी का वाइटनिंग होना, वाइटनिंग ऑफ एल्गी एंड डिकेइंग ऑफ पॉलिप, वाइटनिंग ऑफ एल्गी एंड डिकेइंग ऑफ पॉलिप, डिकेइंग ऑफ पॉलिप क्या किसके नाम से जाना जाता है, ये कोरल ब्लीचिंग के नाम से जाना जाता है, कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग। और ये सबसे पहले रिपोर्ट किसने दी थी कोरल ब्लीचिंग के बारे में, एल्फ्रेड मायर ने दी थी 1918 में कोरल ब्लीचिंग के बारे में।
अल्फ्रेड मायर 1918 में ये रिपोर्ट दी थी। अब देखते हैं कोरल ब्लीचिंग के क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग होती है। कोरल ब्लीचिंग क्यूजेज, कोरल ब्लीचिंग के क्यूजेज है, पहला तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोरल ब्लीचिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा मैरीन पॉल्यूशन की वजह से कोरल ब्लीचिंग होता है, मैरीन पॉल्यूशन। तीसरा ओवर फिशिंग की वजह से भी कोरल ब्लीच हो सकता है, ओवर फिशिंग। चौथा ओवर कंस्ट्रक्शन इन कोस्टल एरिया की वजह से, कोस्टल एरिया में अगर ओवर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उससे भी कोरल ब्लीच होगा। नेक्स्ट ओशियन जो एसिडिफिकेशन होगा उससे भी कोरल ब्लीच होगा, ओशियन वाटर का अगर एसिडिफिकेशन हो जाएगा। एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि वर्तमान में सी वाटर का जो पीएच है, सी वाटर का अगर पीएच देखे वर्तमान में तो 7.8 से लेकर के 8 तक है, लेकिन अगर ओशियन एसिडिफिकेशन होगा, ओसिडिफिकेशन में क्या होगा कि CO2 प्लस H2O दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2CO3 बनाते हैं, जो कि एक तरीके से वाटर का एसिडिफिकेशन होता है। उसके बाद में देखते हैं कोरल आइसलैंड एंड इंडिया कौन कौन से हैं जिसको कोरल रीफ की वजह से बने हैं इंडिया के अंदर। कोरल आइसलैंड, कोरल आइसलैंड है जैसे कि लक्षद्वीप है हमारा, कोरल आइसलैंड है इंडिया का, यानी इंडिया में कोरल रीफ की वजह से बना हुआ है पूरा कोरल रीफ की वजह से बना हुआ है। क्या है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। दूसरा है हमारा अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप है। तीसरा है हमारा गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। चौथा है हमारा गल्फ ऑफ मन्नार, और सुंदरबन है ये कोरल रीफ में नहीं आता है, सुंदरबन है ये कोरल रीफ का एग्जाम्पल नहीं है। इंडिया का फर्स्ट कोरल गार्डन कौन सा है, मीठापुर है गुजरात के अंदर, फर्स्ट कोरल गार्डन इंडिया का, फर्स्ट कोरल गार्डन कहाँ पर है, ये मीठापुर गुजरात के अंदर है, मीठापुर गुजरात के अंदर। नेक्स्ट हम देखें कोरल आइसलैंड के टाइप्स, हम देखते हैं कि कोरल आइसलैंड जो बनते हैं उनके टाइप्स कौन कौन से हैं, किस तरीके से ये बनते हैं। कोरल आइसलैंड टाइप्स, कोरल आइसलैंड के टाइप्स हैं जैसे कि पहला टाइप्स है फ्रिंगी, FRINGE, फ्रंगी। ये किसके साथ में बनता है, फ्रंगी जो आइसलैंड बनता है ये शोर लाइन के साथ में बनता है, SHORELIN, शोर लाइन के साथ में बनता है, यानी शोर लाइन के एरिया में बनता है। फिर बनता है बैरियर, ये शोर लाइन से कुछ डिस्टेंस पर बनता है बैरियर,
RRB JE शोर लाइन से कुछ डिस्टेंस पर बनेगा ये। और तीसरा होता है एटोल, लो कोरल आइसलैंड का सीरीज होता है जो एटोल होता है, एटोल सीरीज ऑफ लो कोरल आइसलैंड, सीरीज ऑफ लो कोरल आइसलैंड। जैसे कि हमारा क्या है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप और ये मालदीप है, ये दोनों उसी के उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखें, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कोरल स्ट्रक्चर है वो है ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वो हमने देख लिया है। फिर हम देखते हैं एल नीनो, अब देखते हैं इंडिया में जो मानसून आते हैं, जैसे कि एल नीनो जो मानसून आते हैं हमारे, एल नीनो टर्म मानसून से रिलेटेड है। जैसे कि ये हमारा क्या है, इंडिया है, जैसे ये इंडिया बना देते हैं हम, ये हमारा इंडिया है इस तरीके से, ये हमारा म्यांमार वाला एरिया है। तो साउथ वेस्ट जो मानसून आएगा वो हमारा यहाँ से आता है, कहाँ से आता है, यहाँ से आता है साउथ वेस्ट मानसून। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से आएगा और ये इधर से जाता है, और बे ऑफ बंगाल से जो मानसून आता है वो यहीं पर मुड़ जाता है, ये म्यांमार। और जो ये है ईएल नीनो, ईएल नीनो है तो ला नीना है कूलिंग के लिए है और ईएल नीनो हीटिंग के लिए है। एल ए नी नो ये कूलिंग का है, यानी कूलिंग जो हवाएं चलती हैं, और ईएल नीनो है ये हीटिंग वाली जो हवा चलती हैं उनके लिए ये टर्म यूज की जाती है। तो मानसून जब एंटर करता है इंडिया में वो डायरेक्शन कौन सी होती है, या तो साउथ वेस्ट से एंटर करेगा या फिर मानसून हमारा नॉर्थ ईस्ट से एंटर करता है इंडिया के अंदर। नॉर्थ ईस्ट मतलब कि यहाँ से मानसून स्टार्ट करता है, या तो मानसून यहाँ से स्टार्ट करता है या फिर मानसून हमारा इंडिया के अंदर यहाँ से स्टार्ट करता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है, नॉर्थ वेस्ट मान सकते हैं इंडिया को, नॉर्थ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट जो मानसून है हमारा वो रेनफॉल का कारण बनता है साउथ वेस्ट के अंदर, यानी कि नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के अंदर ये रेनफॉल का कारण बनता है, क्योंकि यहाँ से टकरा गए, हिमालय से टकरा कर ये बरसातें यहाँ पर होती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है वो विंटर मानसून कहलाता है हमारा, ये वाला मानसून है हमारा विंटर मानसून कहलाता है, विंटर। और ये वाला हमारा कहलाता है रेनफॉल के लिए मानसून। तो इसकी जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो मानसून एंटर करता है इसकी वजह से तमिलनाडु के अंदर बरसात होती है, प्रत्येक हम देखें कि 3 से 7 साल के अंदर पैसिफिक ओशियन में वार्मिंग की वजह से
पीरू कोस्ट बनता है। पीरू कोस्ट किस तरीके से बनता है? इस तरीके से बनता है, पीरू कोस्ट यानी बहुत बड़ी बड़ी लहरें यहाँ पर बनती है पानी की, पीरू कोस्ट, और ग्लोबल विंड की डायरेक्शन को ये चेंज कर देती हैं। इसकी वजह से हमारा मानसून भी इफेक्ट होता है। तो इस हीट इफेक्ट को हम कहते हैं इल नीनो इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट है। ये प्रत्येक 3 से 7 साल में होता है। तो एलनिनो इफेक्ट है, एलनिनो इफेक्ट की वजह से हीटिंग ज़्यादा होगी उतनी ही हमारा इंडियन मानसून है वो चेंज होता है, इंडियन मानसून चेंज होगा। फिर कुछ इंटरनेशनल इवेंट हम देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल जो इवेंट हुई हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।